हेलो स्टूडेंट्स, टेली प्राइम 3.0 की आज की क्लास नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कैपिटल इंट्रोड्यूस की जर्नल एंट्री किस प्रकार से करते हैं। यानी कि जब भी कोई बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस के अंदर जो पैसा इन्वेस्टमेंट करता है उसकी एंट्री हम टेली सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से उसके लेजर हमें क्रिएट करनी होती है, और इसके साथ साथ हम पेमेंट वाउचर का किस प्रकार से यूज करेंगे। यानी कि अगर हमने किसी सप्लायर से कोई गुड्स हमने खरीदा हुआ है और उसके अगेंस्ट में जब हम उसका भुगतान करेंगे हमारे सप्लायर्स को, तो उसकी एंट्री हमें किस प्रकार से करनी होती है, किस प्रकार से हमें उसकी रिसिप्ट जो मिलती है। और इसके साथ साथ अगर हमारा कोई कंज्यूमर हमें कोई पेमेंट करके जाएगा तो उसकी एंट्री हम कैश रिसीव्ड की एंट्री रिसिप्ट वाउचर में किस प्रकार से करेंगे टेली प्राइम 3.0 में। तो ये सारी बातें आज की इस क्लास में भी हम प्रैक्टिकल तरीके से सीखने वाले हैं रियल वाउचर के साथ। हमने पहले भी जो फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास के अंदर जो हमने डिस्कस किया था वो भी रियल बिजनेस के प्रैक्टिकल वाउचर से ही हमने किया था, और आज भी हम इन्हीं की रिसिप्ट की एंट्री और पेमेंट की एंट्री को भी हम प्रैक्टिकल वाउचर से सीखने वाले हैं। तो इससे पहले हमने दो क्लासेस की वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम कंपनी क्रिएट किस प्रकार से करते हैं टेली सॉफ्टवेयर में, जीएसटी की पर्टिकुलर सेटिंग किस प्रकार से करनी होती है, लेजर किस प्रकार से क्रिएट करने होते हैं, स्टॉक आइटम को किस प्रकार से क्रिएट करेंगे। और सेकंड क्लास के अंदर हमने परचेज वाउचर की एंट्री और सेल वाउचर की एंट्री मल्टी जीएसटी टैक्स लेजर के साथ किस प्रकार से करते हैं, कैसे हम सीजीएसटी टैक्स का लेजर और एसजीएसटी टैक्स का हम लेजर क्रिएट करते हैं। तो ये सारी बातें हमने प्रैक्टिकल डिस्कस कर ली है। तो अभी तक आपने इन दोनों क्लास को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा दोनों क्लासों का, वहां से आप इसको जरूर देखिए, तभी आप आज की इस क्लास यानी कि जो पार्ट 3 है टेली प्राइम 3.0 का अच्छी तरीके से समझ पाओगे। और आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, विशेषकर उन फ्रेशर अकाउंटेंट लोगों के लिए जो टेली सॉफ्टवेयर को सीख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में उनको सारी बातें प्रैक्टिकल तरीके से सीखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कोई भी स्टेप इस वीडियो का स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर टेली सॉफ्टवेयर, बीजी सॉफ्टवेयर, इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और आज की वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करना। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कैपिटल इंट्रोड्यूस की एंट्री को, यानी कि अब हम कैश पेमेंट भी करेंगे और कैश को रिसीव भी करेंगे। तो अगर हम पहले कैश बिजनेस से हमारे पास से जा रहा है तो सबसे पहले वो कैश हमारे पास होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जो कैपिटल की यानी कि जो एक बिजनेस का मालिक है, बिजनेस का ओनर है, वो जो बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी एंट्री करना सीखेंगे। तो उसकी एंट्री हम किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले हम वाउचर पे चलते हैं और हम उसकी एंट्री हमेशा रिसिप्ट वाउचर में करते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। और डेट हम 1/5 को कर लेंगे क्योंकि हमारी बिजनेस की डेट 1 मई की आ रही है। तो अब सबसे पहले हमें याद ध्यान रखना है कि हमें जो कैश का जो वाउचर नंबर है, जैसा कि हमने सेकेंड क्लास के अंदर परचेज वाउचर का और सेल वाउचर का जो वाउचर नंबर हमने ऑटोमेटिक को हटा के मैनुअल किया था, तो इसी तरीके से आज हम पेमेंट वाउचर को और रिसिप्ट वाउचर का जो वाउचर नंबर है वो ऑटोमेटिक की बजाय हम इसको भी मैनुअल करेंगे। सबसे पहले तो एल्टर पे हम चलते हैं, वाउचर टाइप पर हम जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले पेमेंट वाउचर, और पेमेंट वाउचर में जाने के बाद में जो मल्टी हमारा जो नंबरिंग रहेगा सीरीज का, इसको हम ऑप्शन को यस करेंगे। डिफॉल्ट ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक की बजाय हम यहाँ से इसको मैनुअल कर देंगे, और डुप्लीकेट हम इसको एक्सेप्ट नहीं करवाना चाहते इसीलिए हम इसको ओके करेंगे। और इसी तरीके से हम रिसिप्ट वाउचर को भी मॉडिफाई कर लेंगे, और मॉडिफाई करने के बाद ऑटोमेटिक के बजाय मैनुअल, और डुप्लीकेट को हम यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इसलिए इसको यस करेंगे, और इसको भी हम कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर देंगे। तो इसलिए वापस हम चलेंगे वाउचर पर, और वाउचर पे चलने के बाद हमें कैपिटल की एंट्री करनी है, यानी कि जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है उसकी एंट्री करनी है, तो इसके लिए हम रिसिप्ट वाउचर का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल, और उसके बाद 1 मई। तो अब सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट कौन करता है, जो कंपनी का मालिक होता है, और इस कंडीशन में हमारी कंपनी का नाम क्या रहने वाला है, स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी, और इसके अंदर जो भी प्रोपराइटर रहेगा यानी कि जो भी इसका मालिक है उसका लेजर हमें एक क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर भी एक लेजर क्रिएट कर लेंगे,
अदरवाइज आप शुरुआत में यहां से क्रिएट करके भी लेजर क्रिएट कर सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट पोजीशन होता है लेजर क्रिएट करने का। अगर हम किसी वाउचर एंट्री के दौरान कोई अगर शॉर्टकट हम लेजर क्रिएट करते हैं तो हमारी सेकेंडरी ऑप्शन होता है लेजर क्रिएट करने का। तो सबसे पहले इस कंडीशन के अंदर हमारा जो जो प्रोपराइटर है सुमित सुथार के नाम से हम एक लेजर क्रिएट करेंगे, और जो कैपिटल रहेगा जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसका ग्रुप हमें लिस्ट ऑफ ग्रुप में से कैपिटल अकाउंट को ही सिलेक्ट करना होता है। और इसके बाद में जो कैपिटल अकाउंट होता है वो कोई रेगुलर या कंपोजिशन नहीं होता, इसको हम यहां से क्या करने वाले हैं अनरजिस्टर्ड आप एक बार इसको रख सकते हो। एंटर प्रेस करते हैं हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब हम जर्नल इसके रिसिप्ट वाउचर में एक जर्नल एंट्री पास करते हैं, यहां पर हम वापिस हम लिख देते हैं कैपिटल। और अब हमने जो लेजर अभी क्रिएट किया था सुमित सुथार के नाम से, और यहां पर हमने इन्वेस्टमेंट करी है 1,50,000 रुपए की, और हम डेबिट किसको करने वाले हैं कैश को, यानी कि एक तरह के हम कह सकते हैं कि हमने कैश के रूप में नकद के रूप में ये बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हमें करी थी। हम यहां पर इसका एक नरेशन बना सकते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस के नाम से। तो यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो भी आपने 1,50,000 रुपए का कहां कहां से किस किस तरीके से आपके पास आया, तो वो सारी यहां पर डिटेल भी हम यहां पर लिख सकते हैं हमारी इन फ्यूचर फर्दर प्लानिंग के लिए या उसकी डिटेल को अच्छी तरीके से देखने के लिए। और इस वाउचर को हम यहां से एक्सेप्ट करेंगे एंटर पास। तो ये हमारी एक इन्वेस्टमेंट जो करी थी उसकी एंट्री हमने कर दी है। तो अब उसके बाद बात आएगी भी लास्ट जो हमारी सेकंड क्लास थी उसके अंदर हमने कोई गुड्स परचेज किया था, और एक बार हम वापस उस लेजर को ओपन करते हैं। और हमारा लेजर था विजय ट्रेडिंग कंपनी का, और इस विजय ट्रेडिंग कंपनी से हमने ये प्रोडक्ट परचेज किया था जिसका ये वाउचर हमारे पास था 1,11,141 रुपये का, और ये हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर इस पार्टी के इतना अमाउंट ही क्रेडिट साइड के अंदर बैलेंस आ रहा है। अब हमने इसको कैश पेमेंट करी है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम केवल कैश पेमेंट पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने बैंक के लेजर है जो क्रिएट किए नहीं है। क्योंकि हम पेमेंट दो तरीके से कर सकते हैं, कैश पेमेंट भी कर सकते हैं और बैंकिंग चैनल के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन बैंकिंग के लेजर हम नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करेंगे। आज की इस क्लास में हम केवल कैश ट्रांजेक्शन को ही समझने वाले हैं। तो इसके लिए जैसे हम इस सप्लायर्स को पेमेंट देंगे तो हमारे को विजय ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से एक ये रिसिप्ट मिलेगा। अब मान लीजिए हमने 1 मई 2023 को 7,000 रुपये का कैश भुगतान किया है, तो अब आपके पास पार्टी की तरफ से दो टाइप की रिसीप्ट हो सकती है। अब यहाँ देख सकते हो ऊपर इसके ऊपर लिखा हुआ रिसिप्ट, यानी कि ये रिसिप्ट किसकी है विजय ट्रेडिंग कंपनी की, और ये विजय ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पर पैसे को प्राप्त करने वाला है। तो भुगतान कौन कर रहा है फिर यहाँ पर स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी, तो यानी कि स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी के तरीके से ये पेमेंट वाउचर बन रहा है, और विजय ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से अगर देखा जाए तो ये रिसिप्ट वाउचर बन रहा है। तो एक रिसिप्ट इस तरीके का हो सकता है और दूसरा एक रिसिप्ट आपके पास कुछ इस तरीके से भी आ सकता है। दोनों सेम है, यहाँ पर भी रिसिप्ट वाउचर लिखा हुआ है, वो भी रिसिप्ट वाउचर था। वाउचर दोनों सेम है, सेम वाउचर नंबर है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल व्यू दिखाने के लिए मैंने दो अलग अलग वाउचर है जो इस तरीके से बनाए हैं ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट आपको यहाँ पर दिख रही है। स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी को यहाँ पर क्रेडिट किया जा रहा है और कैश के अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है, किसकी तरफ से विजय ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से। लेकिन यहाँ पर इस अगर इस एंट्री को देखें तो यहाँ पर कोई डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन आपको दिखाई दे नहीं रहा है। तो ये भी एक तरीके का रिसिप्ट है, एंट्री करने का सेम ही मतलब रहेगा जो हम अभी करने वाले हैं। तो इसके लिए हम वाउचर पे चलेंगे, और वाउचर पे चलने के बाद में अब हमारी तरफ से ये पेमेंट हो रही है, हम यहाँ से इसको पेमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि इसकी शॉर्टकट F5 बटन हम यूज करेंगे। तो जैसे हम F5 बटन यूज करेंगे तो यहाँ पर वाउचर नंबर पूछा जाएगा, और हम इस कंडीशन में वाउचर नंबर कौन सा देंगे जो हमें सप्लायर के द्वारा जो रिसिप्ट हमें मिली थी उस रिसिप्ट के नंबर जो रिसिप्ट नंबर लिखा होता है वो वाउचर नंबर हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि 1524 नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे। और उस कंडीशन के अंदर बाई बाई का मतलब डेबिट होता है। अगर यहाँ पे 2 बाई की जगह आप CRDR लेके आना चाहते हो तो हम यहाँ से इसका कॉन्फिगर भी चेंज कर सकते हैं। तो आपको जैसे हम यहाँ पे F12 बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा यूज CRDR इंस्टेड बाई 2B ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यानी कि आप 2 बाई की जगह CRDR क्रेडिट डेबिट यूज करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को यस कर लो, कंट्रोल के साथ एक्सेप्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो पहले जो ऑप्शन यहाँ पर बाई आ रहा था वो डेबिट का ऑप्शन आ रहा है, तो यानी कि इस कंडीशन में हम डेबिट किसको करने वाले हैं विजय ट्रेडिंग कंपनी को, और यहाँ पर हम अमाउंट लिखेंगे 7,000 रुपये की हमने कैश पेमेंट करी है। और उसके बाद में ये ऑप्शन आपके पास आएगा बिल बाई डिटेल का,
और जैसे बिल वाई डिटेल के अंदर ऑप्शन पर आएंगे अगेंस्ट रेफरेंस पूछा जाएगा, और इस अगेंस्ट रेफरेंस के अंदर आपसे एक बात पूछी जाएगी कि आपने ये जो पेमेंट कर रहे हो ये कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट में पेमेंट हो रही है। तो फिलहाल हमारे पास एक ही परचेज वाउचर की एंट्री हमने करी थी, तो अगर आपके पास काफी सारा हमारे पास परचेज का डाटा रहेगा इस कंपनी का, तो वो सारे पेंडिंग बिल्स आपको यहाँ पर शो करता रहेगा, यानी कि आप जो भुगतान कर रहे हो वो कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट में अंदर कर रहे हो। तो हमारे पास एक इनवॉइस है, हम तो इसी इनवॉइस के अगेंस्ट में भुगतान करेंगे, और यहां से हम क्रेडिट को करने वाले हैं कैश के लेजर को, ठीक है। तो अब इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे नरेशन के अंदर हम इसकी फुल डिटेल लिख सकते हैं भी, यहाँ पर केस जो रिसीव्ड है वो किसने किया था, यानी कि हमारे से जो पेमेंट जिस बंदे ने ली थी उसका नाम क्या है, या हमने किसी बाई हैंड उसको दिया था, या ओनर खुद आया था, या उसका कोई मैनेजर सुपरवाइजर अकाउंटेंट कौन आया, तो यानी कि हमारी फर्दर की डिटेल को देखने के लिए वो हम यहाँ पर डिटेल है जो लिख सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे, तो ये हमारी पेमेंट वाउचर की एंट्री है सो पास हो चुकी है। और इसके बाद हम करेंगे रिसिप्ट वाउचर की एंट्री, तो रिसिप्ट वाउचर के अंदर एंट्री हम किसकी करने वाले हैं, तो सेकंड क्लास में हमने एक हमारे कस्टमर को सेल हमने किया था जिसका नाम था सुरेश ट्रेडिंग कंपनी, और इस सुरेश ट्रेडिंग कंपनी को हमने 7,240 रुपए का ये प्रोडक्ट हमने सेल किए थे, ये इसका इनवॉइस है, ठीक है। और इसका ओरिजिनल जो इनवॉइस था वो हमारे पास ये वाला है, यहाँ पर आप अमाउंट देख सकते हो इसकी 7,240 रुपए की। अब ये कस्टमर हमारे को 1,000 रुपए की पेमेंट करके जा रहा है सुरेश ट्रेडिंग कंपनी कैश के रूप में, तो जैसे ये कैश के रूप में करेगा तो हम ये रिसिप्ट है हम हमारे कस्टमर को प्रोवाइड करवाएंगे। अब यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर हमारी कंपनी का नाम ऊपर आएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो हेडिंग के ऊपर इसके ऊपर कैश रिसिप्ट लिखा हुआ है। अब ये कैश रिसिप्ट कौन कर रहे हैं, स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी, यानी कि जिस कंपनी के अंदर हम अभी वर्किंग कर रहे हैं, और ये फर्स्ट रसीद है, तो रसीद का नंबर भी आपका 001 आ रहा है, और यहाँ पर केस रिसीव्ड फ्रॉम किसी और है, सुरेश ट्रेडिंग कंपनी से। अब यानी कि ये स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से रिसिप्ट वाउचर बन रहा है, और सुरेश ट्रेडिंग कंपनी ये अपनी कंपनी के जाके पेमेंट वाउचर के अंदर एंट्री करेगा, लेकिन फिलहाल हम हमारी तरफ से अगर सोचें तो ये हमारा रिसिप्ट वाउचर बन रहा है, तो वाउचर पर हम जाएंगे, और अब यहाँ पर रिसिप्ट के लिए F6 का शॉर्टकट यूज करेंगे रिसिप्ट के लिए, और यहाँ पर हम हमारी जो रिसिप्ट है उसका वाउचर नंबर यूज करेंगे, डेट जो हमारा वाउचर के ऊपर लगा हुआ है 2 मई 2023, तो यहाँ पर हम F2 से 225 को हम सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में CR यानी कि हम क्रेडिट किसको करने वाले हैं जिसने हमें पेमेंट करी है, तो सुरेश ट्रेडिंग कंपनी, और 1000 रुपये की अमाउंट है, और उसके बाद में सेम ऑप्शन यहाँ पर भी पूछेगा बिल वाइज डिटेल के अंदर भी, ये जो आपके पास पेमेंट आ रही है ये कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट में आ रही है, लेकिन यहाँ पर भी हमने एक ही सिंगल ट्रांजेक्शन करी हुई है सेल की, और ये एक ही पेंडिंग बिल्स है जो शो कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं भी इसी सेल इनवॉइस के अगेंस्ट के अंदर पेमेंट है जो हमें रिसीव हो रही है, और यहाँ पर हम कैश के अकाउंट को डेबिट करने वाले हैं, और यहाँ पर भी सेम वही नरेशन हम लिख सकते हैं भी, जो कैश जिसने लिया था उसका नाम क्या है, किसके थ्रू हमारे पास कैश पहुँचा है, तो ये सारी डिटेल हम फर्दर प्लानिंग के लिए देखने के लिए नरेशन के अंदर पूरी डिटेल के साथ लिख सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे और इस वाउचर को भी हम एक्सेप्ट करेंगे, और पेमेंट और रिसिप्ट एंट्री करने के बाद में हम दोनों के लेजर एक बार जरूर चेक करेंगे। सबसे पहले हम लेजर को चेक करने वाले हैं विजय ट्रेडिंग कंपनी के लेजर को, और लेजर की स्टेटमेंट देखने के लिए डिस्प्ले पर जाएंगे, अकाउंट्स बुक पर जाएंगे और लेजर को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले विजय ट्रेडिंग कंपनी का लेजर हम ओपन किया, तो अब यहाँ देख सकते हो अब 7,000 रुपये की हमने जो पेमेंट करी थी वो इसके अकाउंट में डेबिट हो चुकी है, और जो हमने परचेज किया था वो 1,11,141 रुपये की अमाउंट इसके अकाउंट में क्रेडिट है। अगर हम क्लोजिंग बैलेंस की बात करें तो क्लोजिंग बैलेंस आपका 1,04,141 रुपये का अभी भी क्रेडिट है, और इसी तरीके से हम स्केप करके बैक आएंगे और सुरेश ट्रेडिंग कंपनी का लेजर देखेंगे, तो यहाँ पर जो हमने इनवॉइस किया था 7,240 का उसके अगेंस्ट में 1,000 रुपये की पेमेंट हमारे पास आ चुकी है जो हमने अभी रिसिप्ट वाउचर की एंट्री करी थी। तो अगर क्लोजिंग बैलेंस की बात करें तो अभी भी क्लोजिंग बैलेंस इसका 6,240 रुपये का डेबिट साइड का बैलेंस है, यानी कि अभी भी इतना पैसा हमने इस कस्टमर से लेने वाला बकाया पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम पेमेंट वाउचर की एंट्री को और रिसिप्ट वाउचर की एंट्री को टैली सॉफ्टवेयर में इजी तरीके से पास कर सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी, पसंद आई, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी जरूर करना,
और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी जरूर कर लेना।